केंद्रीय उपमंडल के गांव कलरी जागी स्थित स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री संदीप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। खेल मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यदि युवाओं में जोश व लगन होगी तो वो खेलों में वो अपने माँ बाप व देश का नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए निम्न स्तर पर ही शुरुआत करने की जरूरत होगी। यदि आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो आप खेलों में नाम कमा सकते हैं और देश का नाम बढ़ा सकते हैं। उन्होंने अभिभावकों को अपने बच्चों को जंक फूड व मोबाइल से दूर रखने की बात कही। जंक फूड खाने से बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास रुक जाता है, इससे सोचने की शक्ति कम होती है। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से कहा कि वह स्कूल में ट्रैफिक के नियमों के बारे में बच्चों को जानकारी दे ताकि सड़क पर दुर्घटनाएं कम हो सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि संदीप सिंह ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाओं को लागू करने वाली है। प्रदेश में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स कल्चर तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ खेलों में भी रुचि रखनी चाहिए, इससे शारीरिक व मानसिक विकास होता है। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनका उपस्थित लोगों ने खूब आनंद लिया। इस मौके पर मंत्री संदीप सिंह ने विभिन्न खेलों में अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इंद्री से संवाददाता अमित सरोहा की रिपोर्ट। बीइंग ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर और एक खिलाड़ी होने के नाते आप सबको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा जंक फूड से दूर रखें, खाने पीने से, ये मैगी नूडल्स बर्गर टिक्की समोसा इनसे थोड़ा दूर रखें, क्योंकि ये खाने से बच्चों की ग्रोथ कम होती है। ग्रोथ मतलब ये बच्चों की सेहत जो है वो ख़राब होती है, हमें पता नहीं चलता। इनकी हाइट, इनकी सोचने की शक्ति वो बढ़ता नहीं है। तो मैं माता पिता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, और जितने भी टीचर्स हैं स्कूल के, यहाँ डायरेक्टर खड़े हैं हमारे साथ, तो मैं इनसे भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी शिक्षा दें। ये शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं बच्चों में से आगे जाकर इन्होंने टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स चलाना है। अगर इनको हम महीने में एक बार भी क्लास लेंगे, चाहे वो नाइन्थ टेंथ कक्षा से शुरू कर लें, चाहे एट्थ स्टैंडर्ड से शुरू कर लें, तो इनको नॉलेज देना जरूर शुरू करें, जिससे कि ये आने वाले भविष्य में जब भी ये ड्राइव करें, चाहे टू व्हीलर ड्राइव करें, चाहे फोर व्हीलर ड्राइव करें, जिससे कि इनको पता हो कि कहाँ पर हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है और हमारी गाड़ी की ब्रेक कहाँ होती है, रेस कहाँ होती है, क्योंकि बच्चों जो अंडर एज होते हैं उन्हीं से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। और तीसरा, मैं पेरेंट्स से एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखें, बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखें। वो इसलिए क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम अगर कहीं पर व्यस्त होते हैं या पिता या माता अगर कहीं से नौकरी करके आते हैं, थके होते हैं, तो बच्चा अगर कोई जिद करता है तो हम उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं कि बेटा मोबाइल से खेल लो, मुझे मत तंग करो। ये बहुत बड़ी शुरुआत हो चुकी है, ये पेरेंट्स से मैं कहूँगा कि इस चीज़ से भी दूर रखें, क्योंकि ये चीज़ जो है बच्चों को नुकसान पहुंचाती है। हो सकता है कि आपको पता ना हो बच्चा क्या गेम खेल रहा है, कैसे कर रहा है मोबाइल को इस्तेमाल, और आने वाले टाइम में आप ही उस चीज़ के भोगी बनेंगे। बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखें, क्योंकि इसकी जो रेडिएशन है वो भी ग्रोथ के ऊपर हानिकारक है। मैं ग्रोथ का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज की जनरेशन में बच्चों की हाइट फिजिक बहुत कम होती जा रही है। उसके जनरल फैक्ट जो हैं वो यही है कि खाना पीना और मोबाइल फ़ोन, ये दो मेजर फैक्ट हैं जिससे कि बच्चों का ग्रोथ कम हो रही है। मैं ज़्यादा ना बोलता हूँ। देखिए, अच्छा लगता है जब बच्चों से मिलता हूँ और स्पेशली स्कूल फंक्शन में आता हूँ, और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जितना भी सहयोग हो सके मैं उतना करता हूँ। और मेरा एक ही मकसद है कि स्पोर्ट्स कल्चर लेके आना प्रदेश में, और पूरे प्रदेश में जितने भी बच्चे हैं उनको, उनकी सेहत, उनकी ग्रोथ, उनकी सोच आगे बढ़ाना, जिससे कि हमारा यूथ जो है वो आगे बढ़े और प्रदेश को आगे लेके जाए। कि ग्रास रूट्स के ऊपर काम करना, जैसे मैं स्कूल में भी आज बोला है कि खेलों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आपकी सेहत अच्छी रहेगी और
आपके पेरेंट्स का आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं, और जिस युवाओं के अंदर अगर पैशन है, जोश है, वो स्पोर्ट्स में दिखाए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ जब बच्चा खिलाड़ी बनता है तो वो प्रदेश का नहीं, देश का नहीं, पूरी दुनिया में अपने माता पिता का नाम रोशन करता है। मैंने युवाओं को भी एक मैसेज दिया है, सबसे बड़ा मैसेज पेरेंट्स को बताया मैंने कि इनको जंक फूड से दूर रखें, टीचर्स को बताया कि इनको ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताएं, क्योंकि अंडर एज में अगर ये टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाते हैं तो एक्सीडेंट्स काफ़ी होते हैं, उसकी वो अवेयरनेस देनी है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखें। स्टेडियम का मतलब अगर आप देखें तो वो होता है कि बड़े स्टेडियम बनाना, स्टेडियम का, और ट्रेनिंग सेंटर का मतलब होता है कि प्रैक्टिस के लिए। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों के अंदर कि हमें स्टेडियम चाहिए, मेरा मानना है कि हमें ट्रेनिंग सेंटर्स चाहिए। तो कोचेज की भी बड़ी कमी है, कोचेज की कमी है, उसकी हम पॉलिसी बना रहे हैं और उसमें हम बहुत जल्दी आपको वो खिलाड़ी जिन्होंने देश को लिए खेला हुआ है और उनके पास अगर नौकरी नहीं है, उसके लिए हम कुछ करना चाहते हैं जो कि बच्चों को तैयार कर सकें, इस तरीके की एक नई पॉलिसी कुछ तैयार करें, जरूर हम उसके ऊपर काम चल रहा है और जल्दी हम खिलाड़ियों के लिए लेकर आएंगे कुछ अच्छा। Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।